एसएस चीक का मांडो, एक बाजीगर की सनसनीखेज दास्तान। कहानी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते ही इंस्पेक्टर चोपड़ा कमांडो अली को एक खास कमरे में ले गया, जहां इस किस्म के पाकिस्तानी जासूसों से पूछगछ की जाती थी। ये एक किस्म का टॉर्चर चैम्बर यानी ऐसा कमरा था जहां पाकिस्तानी जासूसों को अजियत दी जाती थी, ताकि वो ना सिर्फ ये के इकबाले जुर्म कर लें बल्कि अपने साथी जासूसों का नाम भी और ठिकाना भी बता दें। कमांडो अली को जब उसके अजीम कमांडो बाप ने कमांडो ट्रेनिंग दी थी तो उसे बता दिया था कि हो सकता है तुम दुश्मनों की कैद में चले जाओ, मेरे बेटे तुम्हारा एक ही दुश्मन है और वो है हिंदू। अगर तुम पर कभी ऐसा वक्त आ गया कि अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए तुम हिंदू फौजियों के काबू में आ जाओ तो वो सख्त से सख्त अजियत देंगे, लेकिन खबरदार अपनी जान वतन पर कुर्बान कर देना, लेकिन दुश्मनों को अपनी वतन के बारे में एक लफ्ज भी ना बताना। कमांडो अली के जहन में अपने अजीम कमांडो बाप के अल्फाज आज भी गूंज रहे थे। इसने दिल में अहद कर रखा था कि वो अपने बाप की वसीयत पर अमल करेगा और मर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बताएगा जिससे पाकिस्तान के बारे में किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने का खतरा हो। हिंदू इंस्पेक्टर चोपड़ा ने कमांडो अली को एक स्टूल पर बिठा दिया। दो सिख सिपाही राइफलें लिए दरवाजे के पास खड़े हो गए। एक स्टूल खींचकर इंस्पेक्टर चोपड़ा कमांडो अली के सामने बैठ गया। भरा हुआ पिस्तौल अब भी उसके हाथ में था। कमरे की छत के साथ एक कमज़ोर सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में कमांडो अली ने दीवार के साथ लगा हुआ एक स्ट्रेचर देखा। इस किस्म के स्ट्रेचर अस्पतालों में हुआ करते हैं। इंस्पेक्टर ने अली की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है, तुम्हारा नाम भी मालूम है, लेकिन मैं ये जानने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ। एक बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुमने मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दिया तो ना सिर्फ ये कि हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे बल्कि तुम्हें अपनी हिफाजत में बहुत सारा रुपया देकर पाकिस्तान तुम्हारे शहर भी पहुंचा देंगे। अब बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है? कमांडो अली ने सोचा कि अपना नाम इसे ठीक ठीक बता देना चाहिए ताकि इसको यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसने कहा, मेरा नाम अली है। इंस्पेक्टर चोपड़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। वो कहने लगा, शाबाश, तुमने अपना नाम बिल्कुल ठीक बताया है। अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ जो पाकिस्तानी जासूस इंडिया में दाखिल हुए वो कहाँ कहाँ हैं? अब कमांडो अली ने अकलमंदी और होशियारी से काम लेते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। इंस्पेक्टर चोपड़ा ने गुर्राते हुए कहा, तो फिर इंडिया में तुम कैसे आए? तुम्हारे पास तो वीज़ा और पासपोर्ट भी नहीं है, फिर ये कमांडो चाकू और पिस्तौल कहाँ से आ गया? कमांडो अली ने कहा, सर, ये चीज़ें होटल में किसी दूसरे शख्स ने रखी होंगी, मैं तो सिर्फ दिल्ली शहर की सैर करने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके आ गया। मैंने पासपोर्ट बनवाने की बड़ी कोशिश की मगर मेरा पासपोर्ट ना बन सका। हिंदू इंस्पेक्टर चोपड़ा ने ज़ोर से कमांडो अली के मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा। अली स्टूल से नीचे गिर पड़ा। अली का खून फिर खौल उठा मगर वो बेबस था, दुश्मन की कैद में था। मगर इसने अपने दिल में एक बार अहद कर लिया कि अगर वो ज़िंदा बच गया और यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया तो इस मुतासिब हिंदू इंस्पेक्टर को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर चोपड़ा ने सिपाहियों से कहा, ये इस तरह नहीं मानेगा, इसे स्ट्रेचर पर डाल दो। उसी वक्त सिपाहियों ने कमांडो अली को उठाकर ज़बरदस्ती स्ट्रेचर पर लिटाकर चमड़े के तस्मों से बांध दिया। एक सिपाही ने कमांडो अली की गर्दन में रस्सी डालकर उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। नायलॉन की रस्सी इसकी गर्दन में घुस रही थी, इसकी आंखें बाहर निकल आईं। इंस्पेक्टर चोपड़ा ने कमांडो अली पर झुककर कहा, मैं कहां पर है? कमांडो अली ने कर्राहती हुई आवाज़ में कहा, मेरा कोई साथी नहीं है। इंस्पेक्टर चोपड़ा ने कमांडो अली के पेट पर ज़ोर से घूंसा मारा। कमांडो अली के हलक से चीख निकल गई। इंस्पेक्टर चोपड़ा गरजा, इसे ख़त्म कर दो। सिख सिपाही ने कमांडो अली की गर्दन में रस्सी का फंदा कसना शुरू कर दिया। कमांडो अली की आंखों के आगे पहले गुप अंधेरा छा गया, फिर नीले सुर्ख सितारे नाचने लगे और फिर वो जैसे बेहोश हो गया। खुदा जाने कितना वक्त गुजर गया। उसके कान में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, अभी इसे उठाकर जेल के ऊपर वाली कोठरी में बंद कर दो, कल तक इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। और सुनो, इस कोठरी के बाहर किसी मुसलमान सिपाही का पहरा मत लगाना,
वहां किसी हिंदू को लगाना। फिर कमांडो को महसूस हुआ कि इसका जिस्म पर बंधे हुए चमड़े के तस्मों को खोला जा रहा है। इसकी गर्दन के गिर्द कसी हुई रस्सी भी ढीली हो गई थी। इसकी गर्दन सख्त दर्द कर रही थी, पेट भी दर्द कर रहा था, जहां हिंदू इंस्पेक्टर ने जोर से घूंसा मारा था। कमांडो अली ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा, इसे हिंदू सिख सिपाही जबरदस्ती स्ट्रेचर पर उठा रहे थे। एक सिपाही ने गुस्से से कहा, चलो ए, अपने पांव पर चलो। कमांडो अली बड़ी मुश्किल से चलता हुआ इस अजियत खाने से बाहर आया। बाहर आते ही इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे एक बार फिर उल्टी हथकड़ी लगा दी गई। फिर उसे एक वैगन में धकेल कर वैगन को बड़ी जेल की तरफ रवाना कर दिया गया। कमांडो अली ने सुन लिया था कि इसे बड़ी जेल में ले जाया जा रहा है, जहां इसे जेल के ऊपर वाली किसी कोठरी में बंद किया जाएगा और बाहर मुसलमान सिपाही की जगह किसी हिंदू सिपाही का पहरा होगा। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, वो कुछ देख नहीं सकता था, सिर्फ उसे वैगन के इंजन की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वैगन मुख्तलिफ इलाकों का चक्कर काट कर दरिया की तरफ आ गई। अली ने दूर से रेल के इंजन की आवाज़ सुनी, वो समझ गया कि कोई रेलवे स्टेशन करीब आ रहा है। वैगन दरिया के पुल को अबूर करके एक वीरान रास्ते पर दौड़ने लगी। यहाँ दरिया के किनारे एक तरफ दो मंजिला खास जेल बनी हुई थी। इस जेल में बड़े बड़े खतरनाक कातिल कैदी रखे जाते थे। यहाँ इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही हर वक्त पहरे पर मौजूद रहते थे। जेल के चारों कोनों पर सर्च लाइट लगी हुई थी। दीवार के ऊपर कांटेदार लोहे की तार फैला दी गई थी ताकि कोई भी खतरनाक कैदी फरार ना हो सके। कमांडो अली को ये सब कुछ बाद में आंखों पर से पट्टी उतर जाने के बाद मालूम हुआ। वैगन जेल के अंदर अहाते में जाकर एक बरामदे के पास खड़ी हो गई। सिख सिपाहियों ने कमांडो अली को बाहर निकाला और उसे सीढ़ियां चढ़ाते खतरनाक जेल की दूसरी मंजिल पर ले आए। यहां चार डोगरा सिपाही राइफलें लिए पहरा दे रहे थे। एक सिख सिपाही ने डोगरा सिपाही की तरफ देख कर कहा, बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है, इस पर कड़ी निगाह रखना। डोगरा सिपाही ने कहा, फिक्र ना करें सरदार जी, इसे बाहर की हवा भी नहीं लगने देंगे। दूसरा डोगरा फौजी बोला, सरदार ओ, इस पाकिस्तानी जासूस को शूट क्यों नहीं कर देते। सिख सिपाही ने कहा, अभी इसे शूट करने का आर्डर नहीं है, इससे इसके साथी जासूसों का पता मालूम करना है। कमांडो अली ये सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। उसे कोठरी में धकेल दिया गया। कोठरी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अली को दरवाजे के बाहर ताला लगाने की आवाज़ आई। उसने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। उसने देखा कि वो एक तंग और तारीक कमरे में है, जिसमें सिर्फ दीवार पर छत के करीब एक छोटा सा रोशनदान है। छत के साथ तार से बंधा हुआ एक बल्ब जल रहा था, उसकी रोशनी कमज़ोर थी। फर्श पर एक पुराना कंबल बिछा हुआ था और पुराना कंबल ऊपर पड़ा था। कमरे में ठंड थी। कमांडो अली की गर्दन अभी तक दर्द कर रही थी। उसने गर्दन पर हाथ फेरा, गर्दन पर नायलोन की रस्सी का निशान पड़ गया था। कमांडो अली ने कंबल ऊपर ले लिया, दीवार के साथ टेक लगाकर सोचने लगा कि उसे यहाँ से फरार होने के लिए क्या करना चाहिए। कमांडो अली को इस बात का पूरा पूरा एहसास था कि यहाँ कोई गैबी ताकत इसकी मदद को नहीं आएगी। कोई अलिफ लैला का जिन अचानक नमूदार होकर उसे वहाँ से बाहर नहीं निकालेगा, सिर्फ अल्लाह ताला ही उसकी मदद करेगा और अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लिहाजा कमांडो अली को भी अपनी मदद आप करनी थी। उसे सबसे पहले अपने होशो आवाज़ को अपने काबू में रखना था, फिर इंतहाई अकलमंदी और कमांडो ट्रेनिंग से काम लेते हुए गौर करके फरार का कोई मंसूबा तैयार करना होगा। उसे ये मालूम था कि वो हिंदू पुलिस की कैद में आ गया है और यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान काम नहीं है। ये लोग इसे पाकिस्तानी जासूस समझ बैठे हैं, हालांकि वो अपने बाप के कातिलों से अपने बाप के खून का बदला लेने और अपनी बहन को निकाल कर वापस लाहौर जाने के लिए आया है। अपने बाप के एक कातिल टेकम दास को तो उसने ठिकाने लगा दिया था, अभी इसे अपनी बहन रूबी को तलाश करना था और फिर अपने बाप के दूसरे कातिल गंडा सिंह को मौत की नींद सुलाना था। मगर इंडियन पुलिस उसे पाकिस्तानी जासूस समझकर अजियत दे रही थी। अभी खुदा जाने उसे कितनी अजियत दी जाने वाली थी। लेकिन कमांडो अली ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस जेल खाने से निकल कर ही दम लेगा। जिस वक्त अली इंडियन पुलिस की कैद में पड़ा अपने फरार और अपनी बहन रूबी के बारे में सोच रहा था, ठीक इसी वक्त यानी उसी रात के 2 बजे कमांडो अली की प्यारी बहन रूबी रेलगाड़ी में सवार मुसलमान औरत और इसके जवान बेटे अशरफ के साथ दिल्ली की तरफ आ रही थी। रूबी को नेक दिल औरत यानी अशरफ की मां ने एक कंबल दे दिया था, जिसे ओढ़कर रूबी सीट पर सो रही थी।
उसकी आंख इस वक्त खुली जब ट्रेन दिल्ली के स्टेशन में दाखिल हो रही थी। इस वक्त दिन निकल आया था। दिल्ली पहुंचकर रूबी बहुत खुश हुई। उसे यूं लगा जैसे वो अपने भाई अली के पास पहुंच गई है। अशरफ ने स्टेशन से बाहर निकलते ही तांगा कराया, इसमें सामान रखा। रूबी और अशरफ की माँ तांगे के पीछे और अशरफ आगे बैठ गया। तांगा जामिया मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। रूबी दिल्ली की सड़कों पर लोगों का हुजूम देख रही थी। इसकी निगाहें इस हुजूम में अपने प्यारे भाई को ढूंढ रही थी। तांगा जामिया मस्जिद के पीछे एक गली के बाहर आकर रुक गया। अशरफ और इसकी माँ रूबी को अपने मकान में ले आए। अशरफ की माँ ने रूबी से कहा, बेटी गुसल करके कपड़े पहन ले, तेरे कपड़े फट गए हैं, मैं तुम्हारे लिए नई शलवार कमीज निकालती हूँ। रूबी ने बेताबी से कहा, खाला जान मैं अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। अशरफ ने कहा, रूबी बहन तू कपड़े वगैरह बदल कर नाश्ता करके तैयार हो जा, मैं तुम्हारे लिए भाई का पता करने जा रहा हूँ, फिक्र ना करो उसे साथ ही लेकर आऊँगा। रूबी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ अशरफ भाई। अशरफ ने कहा, तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं है बहन, मैं किस लिए जा रहा हूँ, खुदा ने चाहा तो तुम्हारे भाई को साथ लेकर ही आऊँगा, तू कपड़े बदल कर तैयार हो जा। ये कहकर अशरफ चला गया। अशरफ को जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द सारे होटलों का पता था। वो एक मुसलमान होटल के मालिक के पास गया और उससे पूछा, यार यहाँ कोई अली नाम का नौजवान तो नहीं ठहरा हुआ? इत्तफाक से ये वही होटल था जहाँ अली आकर ठहरा था और जिसको पिछली रात वहाँ से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। होटल के मालिक ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अशरफ भाई खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, कहीं पुलिस तुम्हें भी पकड़ कर ना ले जाए। अशरफ हैरानी से उसे तकने लगा, क्यों मियाँ जी ऐसी कौन सी बात हो गई है? होटल के मालिक ने आहिस्ता से कहा, वो नौजवान अली तो पाकिस्तानी जासूस निकला, रात पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है, इसके कब्जे से चाकू और पिस्तौल भी बरामद हो गया था। भाई मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़मानत करवाई है, मुझे अगर मालूम होता कि वो पाकिस्तानी जासूस है तो उसे कभी अपने होटल में कमरा ना देता, मुझे तो खुदा ने बचा लिया, मगर तू इसके बारे में क्यों पूछ रहा है? अशरफ ने बड़ी होशियारी से मुस्कुराते हुए कहा, यार मैंने भी सुना था कि तुम्हारे होटल से रात एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है, तो तुमसे पूछने आ गया। मैं अम्मा के साथ ग्वालियर गया हुआ था, सुबह ही आया हूँ, दुकान पर गया तो ये खबर सुनी। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, होटल के मालिक ने कहा। खुदा के लिए इस पाकिस्तानी जासूस का किसी के आगे नाम ना लेना अशरफ, पुलिस इसके साथियों की तलाश में है। अशरफ बोला, मियाँ मुझे नाम लेने की क्या ज़रूरत है? ये कहकर अशरफ वापस दुकान की तरफ चल दिया। इसके शागिर्दों ने दुकान खोल दी थी जो चाय की थी। यहाँ अशरफ ने चाय का एक कप पिया, वो किसी गहरी सोच में था, वो कुछ और ही सोच रहा था। चाय का कप खाली करके वो उठा और गद्दी पर बैठे हुए शागिर्द से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, दुकान का ख्याल रखना। ये कहकर अशरफ दुकान से निकला और अपने घर की तरफ जाने और रूबी को इसके भाई अली की गिरफ्तारी की अतला देने के बजाय इसने रिक्शा लिया और इसमें बैठकर ड्राइवर से कहा, बाजार सीताराम की तरफ चलो। बाजार सीताराम पहुंचकर अशरफ ने रिक्शा छोड़ दिया और एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। ये हिंदुओं की गली थी जहां एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के सामने एक मकान के बाहर खड़े होकर अशरफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी ने आवाज़ दी, कौन है भाई बाहर? अशरफ ने कहा, शंकर दादा मैं हूँ, अशरफ चाय वाला। शंकर दादा ने अंदर ही से आवाज़ दी, आ जाओ अशरफ, बैठक का दरवाज़ा खुला है। अशरफ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बैठक में दो आदमी ताश खेल रहे थे, दरी पर उनके कुछ नोट भी पड़े थे। साफ मालूम हो रहा था कि वो जुआ खेल रहे हैं। एक मोटे पेट वाला गुंडा किस्म का आदमी चारपाई पर बैठा कंबल ओढ़े सिगरेट के कश लगा रहा था। ये शंकर दादा था, इस मोहल्ले का सबसे बदनाम बदमाश और गुंडा शंकर दादा, जो एक कट्टर हिंदू था और जिसने हिंदू मुस्लिम फसादात में कई मुसलमानों को कत्ल किया हुआ था। ऊपर से वो मुसलमानों के साथ बड़ा मीठा था मगर अंदर से मुसलमानों का जानी दुश्मन। अशरफ को भी इसने यही यकीन दिला रखा था कि मैं तुम्हारा बड़ा हमदर्द हूँ, मगर अंदर से वो अशरफ को सिर्फ इसीलिए बुरा समझता था कि वो मुसलमान है। अशरफ ने शंकर दादा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शंकर दादा बोला, अशरफ भाई मुझे तुम बेशक अस्सलाम वालेकुम कहा करो। भाई मैं हिंदू के घर में ज़रूर पैदा हो गया हूँ लेकिन मैं मुसलमानों को भी अपना भाई ही समझता हूँ। अशरफ जो शंकर दास के फरेब में फंसा हुआ था और खुद भी कभी गुंडा रहा था और बेहद लालची था, बोला, शंकर दादा मैं जानता हूँ तुम मुसलमानों से भी बहुत प्यार करते हो। हिंदू बदमाश शंकर दादा ने ज़ाहरी तौर पर अशरफ को बड़ी मोहब्बत से अपने पास चारपाई पर बिठाया और बोला, अशरफ भाई बोलो तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ, चाय या दूध? अशरफ ने शंकर दादा को आँख मारते हुए कहा,
शंकर दादा, इस वक्त मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। शंकर फौरन समझ गया कि अशरफ किसी खास काम से आया है। उसने ताश खेलने वाले आदमियों से कहा, तुम लोग कुछ देर के लिए ऊपर चले जाओ, हमें एक ज़रूरी बात करनी है। दो हिंदू जो वहाँ ताश खेल रहे थे, वो शंकर दादा का हुक्म सुनते ही फौरन ताश और पैसे समेट कर सीढ़ियाँ चढ़कर कोठे पर चले गए। शंकर दादा ने अशरफ से कहा, अब बताओ क्या बात है, क्या रुपये पैसों की ज़रूरत पड़ गई है? जितने चाहे ले लो, तुमसे मैं सूद ब्याज भी नहीं लूँगा। शंकर दादा ने कई मुसलमानों को कर्ज देकर इन्हें अपना गुलाम बना रखा था। अशरफ ने कहा, नहीं दादा, पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कीमती तोहफा लाया हूँ। शंकर दादा ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा तोहफा लाए हो अशरफ, क्या कहीं से 9 लक्का हार हाथ लग गया है? अशरफ बोला, एक ऐसी शय हाथ लगी है जो 9 लक्का हार से भी 1000 गुना बढ़कर कीमती है। शंकर दादा की आंखें सुकड़ गईं, ऐसी कौन सी शय है, बताओ तो भला? अशरफ ने कहा, मगर शंकर दादा, इस शय की पूरी और नकद कीमत लूँगा। शंकर समझ गया कि मामला क्या है, बोला, तुम बताओ तो सही अशरफ भाई, जो भी रकम तुमसे तय होगी वो नकद दूंगा, अब बताओ कौन सी शय है? अशरफ ने आहिस्ता से कहा, दादा एक लड़की है, बिल्कुल नौजवान, खूबसूरत, गैर शादीशुदा, पढ़ी लिखी, तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। शंकर ने धीमी आवाज़ में पूछा, लड़की हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है कि मुसलमान है? अशरफ बोला, मुसलमान है, रूबी इसका नाम है, मालीर कोटला की रहने वाली है। शंकर दादा ने अपनी छोटी छोटी मूँछों पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो लोमड़ की आंखों में अपना शिकार देखकर आती है। कहने लगा, क्या लोगे अशरफ इस लड़की का? अशरफ ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, शंकर दादा तुमको तो मालूम ही है कि मैंने बदमाशी कब की छोड़ दी है, दुकानदारी करता हूँ मगर गुजारा नहीं होता, ये लड़की इत्तफाक से हाथ लग गई है, तुम भी मेरे अपने हो, तुमसे एक ही बात करूँगा। शंकर दादा ने मूछों पर हाथ चलाते हुए कहा, अशरफ भाई तुम बताओ तो सही, कितने पैसे दूँ? अशरफ बोला, बस शंकर दादा तुम 15,000 रुपये दे देना, तुमसे मैं ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। शंकर दादा बड़ा चालाक और अय्याश हिंदू बदमाश था, वो अशरफ की लालची तबीयत से खूब वाकिफ था। उसने सिराने के नीचे हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाली, 100-100 के नोटों की गड्डी देखकर अशरफ के मुंह में पानी भर आया। शंकर दादा ने गड्डी में से 5,000 के नोट निकालकर अशरफ के आगे रख दिए और बोला, अशरफ भाई मैं तो 5,000 रुपये से एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दे सकता, और वो भी नकद दे रहा हूँ। अशरफ नोटों को पकड़ने लगा तो शंकर दादा ने नोट पीछे खींच लिए और हंसकर बोला, हूँ अभी नहीं, पहले लड़की को मेरे अड्डे पर पहुँचा दो, उसे देखकर रकम तुम्हारे हवाले कर दूँगा, मुझे तुम पर एतबार है मगर मैं लड़की को देखे बगैर रकम नहीं दे सकता, ये उसूल की बात है। अशरफ अब जल्दी से जल्दी 5,000 रुपये हासिल करना चाहता था। उसने पूछा, दादा ये बताओ लड़की को कहाँ लाऊं? शंकर दादा बोला, दरिया के किनारे जो मेरा पुराना अड्डा है, वो तो तुम्हें मालूम ही है, वहाँ लड़की को ले आओ। कब लाओगे? अशरफ उठते हुए बोला, मैं अभी ले आता हूँ, वो इस वक्त मेरे घर पर ही है। शंकर दादा भी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम लड़की को लेकर आओ, मैं अड्डे पर पहुँचता हूँ। अशरफ जल्दी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शंकर ने ऊपर आवाज़ देकर अपने दोनों हिंदू बदमाश साथियों को नीचे बुलाया और बोला, ओरे मुरली और रामू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, एक मुसलमान लड़की 4-5 हज़ार में खरीद रहा हूँ। हिंदू बदमाशों मुरली और रामू ने खुश होकर कहा, शंकर दादा ये तो बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है, कहाँ है मुसलमान लड़की? शंकर दादा ने बास्केट पहनी, जेब में पिस्तौल रखा और बोला, मैं चांदनी चौक से होकर अड्डे पर पहुँच रहा हूँ, तुम पहले वहाँ पहुँच जाओ, अशरफ ला रहा है मुसलमान लड़की को। शंकर बदमाश सर पर गिलूबंद लपेट कर बैठक से निकल गया। दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।